हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मनीदीप लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का एनोलॉजी का पार्ट थ्री ये वीडियो, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप टू। तो जो इस चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो दो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने टाइप वन डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ कि टाइप वन जो मैंने डिस्कस किया था वो टाइप वन था क्या एक्चुअली में। एक्चुअली में वो ऐसे था कि क्रिकेट है, अगर क्रिकेट का रिलेशन अगर पिच से है रेसलिंग का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता था, तीन चीज देख के चौथी चीज हमसे पूछती थी। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसमें दो चीज रहेगी, दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के मॉडल हैं ये, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या तो तीन देख के चौथी पूछेगा या तो दो देख के तीसरी और चौथी पूछेगा। तो हमने टाइप वन अब दो वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज वहां जाके दो वीडियो पड़े हमारे देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें तो और अच्छी समझ में आएगा आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जिसे अगर क्रिकेट हम लोग कहाँ खेलते हैं, पिच पे खेलते हैं, तो रेसलिंग जो की जाती है वो एरिना पे की जाती है, ARENA, एरिना, एरिना पे की जाती है। तो इसका ऐसे होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप टू, आज अपना टाइप टू डिस्कस करते हैं। टाइप टू क्या है? टाइप टू एनोलॉजी पेयर सेलेक्शन। एनोलॉजी पेयर सेलेक्शन में क्या है, कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने, तो एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रिया का किससे रिलेशन है, वियना से। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया और वियना में क्या रिलेशन है, तो सोचिए। जब हम सोचे तो ये देखें कि ऑस्ट्रिया और वियना में ये रिलेशन है कि जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो मतलब कि कैपिटल का रिलेशनशिप है। अगर अब आपको कैपिटल पता होंगी सारी कंट्री की तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में दो दो स्लाइड ऐड कर रहा हूँ कि वो कैपिटल की हो, करेंसी की हो, चाहे वो रिवर की हो, चाहे वो जिस चीज़ की हो, क्योंकि एनोलॉजी में जीएस का क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं ऐसे करके। तो अगर वो वाली अगर मेरी स्लाइड देखेंगे आप और याद कर लेंगे उनको, थोड़ा सा याद भी नहीं, दो तीन बार देखेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते करते इतनी मैं प्रैक्टिस ही करवा दूंगा कि आपको ऐसे याद हो जाएंगी वो चीज़ें। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो इसी तरह पाकिस्तान लाहौर, इसका तो रिलेशन हो नहीं सकता, ये तो गलत है, पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर तो है नहीं। तो इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैरो है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान की हम लोग जानते हैं कैपिटल इस्लामाबाद है, तो ये तो गलत ऑप्शन था ये आपका। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डॉग बार्क। तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता भौंकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी एनिमल की, जितने एनिमल हैं उनकी साउंड जो है वो भी हम लोगों को मेमोराइज करनी पड़ेगी, या मेमोराइज करने की जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग धीरे धीरे तो चीज़ें वो आ जाएंगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि एक स्लाइड में मैं वो भी बना के ले आऊँ आपके लिए, जिससे कि अगर साउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो ईजिली हो जाए। तो यहाँ देखिए डॉग क्या जो है, कुत्ता जो है वो क्या करता है, भौंकता है। तो हॉर्स जो है वो क्या करता है, नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हॉर्स क्या करता है, नहीं ही करता है। मंकी रॉर, ये तो गलत है, रॉर से लायन करता है हमारा, तो ये तो गलत ही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर थ्री क्या है हमारा, इंडिया ट्राई कलर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत क्लैट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये इंडिया ट्राई कलर का इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, कि तीन कलर, तीन कलर से हमें याद है कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें तीन कलर होते हैं। तो ऐसी कंट्री का कौन सा फ्लैग होगा जिसमें कि क्या हो, अब कंट्री का फ्लैग याद हो उसमें क्या होता है ये याद हो, तब ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एनोलॉजी में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीएस का जितना पोर्शन अच्छा करेंगे उतना एनोलॉजी में आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, एनोलॉजी के क्वेश्चन आप देखते ही बना देंगे। तो यूएसए का जो फ्लैग होता है उसमें स्टार्स भी होते हैं और स्ट्रिप्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि स्टार्स कितने होते हैं, जो यूएसए का फ्लैग है
उसमें स्टार कितने होते हैं, तो उसमें 50 स्टार होते हैं। अगर आप लोग याद रखें इस चीज़ को, तो बहुत हो सकता है कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि कितने स्टार होते हैं, तो इसमें 50 स्टार होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ जीएस का टॉपिक ले रखा है, मैंने बोला था आपसे कि मैं हर अपने वीडियो में दो दो पीपीटी रखूँगा, जिससे कि आपको जीएस साथ में जीएस का पोर्शन तैयार होता रहे। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है रिलेशन बेस्ड ऑन सिटीज लोकेशन ऑन द रिवर बैंक, मतलब कौन सी सिटी किस नदी के किनारे बसी हुई है। जैसे लंदन है, तो लंदन किसके किनारे बसा है, थेमिस नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तिब्बत नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सैनी नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी, अब जो लोग रहते हैं दिल्ली में वो तो जानते हैं कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ अपनी तरफ से सिटीज के नाम लिख रखे हैं, और जितने भी यहाँ पे सिटीज है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। RRB JEE हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो SSC JEE हो, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं से सारी चीज़ें, जीएस का भी पोर्शन अच्छा हो जाए, और अगर एनोलॉजी का क्वेश्चन बने तो अगर रिवर से बनता है तो आपसे वो भी हो, इस प्रयास में हूँ मैं, और आपके साथ ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूरत, सूरत किस नदी के किनारे बसा है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। पणजी किस नदी के किनारे बसा है, पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आथरणा है, यहाँ पे आथरणा है, तो पणजी किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे देख के आप याद कर सकते हैं, मांडवी नदी के किनारे बसा है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अब देखिए नेक्स्ट, आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये तीनों के तीनों सिटी किस नदी के किनारे बसे हैं, यमुना नदी किनारे के बसे हैं। अब जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता है कि आगरा दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, लेकिन आगरा और मथुरा में डाउट होता है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, और वो वहां से यमुना नदी याद रख लीजिए आप, और आगरा ताजमहल स्थित है और वो यमुना नदी के किनारे ही है, तो वहां से आप भी याद रख लीजिए। तीनों सिटी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आती हैं, पक्का 100% है ये आती हैं। RRB JEE 100% है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। तो अगर आप लोग ऐसे धीरे धीरे देखते रहेंगे तो चीजें धीरे धीरे याद भी रहेंगी आपको। जैसे कि जीएस का अगर क्वेश्चन वो पूछ लिया कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आप कर सकते हैं, या रीजनिंग में पूछ लिया वो एनोलॉजी पोर्शन में कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए अहमदाबाद को कैसे याद करना है, साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर को कैसे याद करना है आपको, झेलम नदी, तो देखिए जो श्रीनगर में रहते हैं उनको बहुत झेलना पड़ता है, इसलिए श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे बसा है। राउरकेला, राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है। अब राउरकेला को कैसे याद करना है आप देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर राहु केतु की दशा चढ़ी हुई, तो जब राहु केतु की दशा होती है तो किसके पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो ब्राह्मण क्या कुछ नग वग दे देता है पहनने के लिए, तो जब हमारे ऊपर राहु या केतु की दशा होती है तो हम किसके पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो इसको ऐसे अगर आप थोड़ा सा कोरिलेशन करके याद करेंगे, कोरिलेट करके, तो आपको याद रहेगा। और हम राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है। अब कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और कैपिटल है उनको हम देख लेते हैं, जैसे हमारी कुछ कंट्री और रिवर रिलेशनशिप, कि कौन सी कंट्री में कौन सी रिवर फेमस है, उसका रिलेशनशिप क्या है। जैसे देखिए कंट्री एंड रिवर रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब हम कौन, यहाँ पे ये है कि कौन किस कंट्री में कौन सी रिवर फेमस है, यहाँ ये है गंगा इज अ रिवर दैट फ्लोज इन इंडिया, जो इंडिया की गंगा है हम लोग सब लोग जानते हैं। उसी तरह चाइना की क्या है, हांग हाओ है। इटली की क्या है, तिब्बर है। ब्रिटेन की क्या है, थेमस है। ऑस्ट्रिया की क्या है, डंडुबे है। इंडिया की क्या है, गोमती है। ये गलत लिखा हुआ है, इंडिया की गोमती नहीं है, ये गलत है, इंडिया की गंगा है ये, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल का रिलेशन किससे, जूलॉजी से। तो जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल का स्टडी करते हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, एनिमल मतलब जानवर। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं,
जानवर का अध्ययन करते हैं, इसी तरह हम लोग फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बॉडी का अध्ययन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टू क्या है, स्पाइडर वेब। स्पाइडर क्या बनाता है, वेब बनाता है। वेब मतलब होता है जाल, वेब का मतलब होता है जाल। जो मकड़ी जाल बनाती है उसी तरह स्पाइडर भी तो जाल बना के इधर उधर कूदता रहता है, आप मूवी में देखे होंगे। तो स्पाइडर अगर जाल बनाता है तो उसी तरह पोएट जो है वो क्या बनाता है, पोएट्री बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है, मेडिसिन पिल्स। तो मेडिसिन में हम लोग क्या, जब हम मेडिसिन में हम लोग क्या पिल्स लेते हैं, उसी तरह हम लोग क्या होता है कि नॉलेज जो लेना है, तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको, नॉलेज बुक से मिलेगी। तो नॉलेज इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉर्स का किससे रिलेशन है, हूप से। अब यहाँ पे देखिए, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा, हूप मतलब होता है उसका खुर। खुर का होता है कि जो जहाँ जहाँ से उसकी टन टक टक की आवाज़ आती है, जब घोड़ा चलता है तो टक टक की आवाज़ जो आती है उसको खुर बोलते हैं, वो होता है। तो हॉर्स के उसके खुर बोलते हैं। तो मैन का जो पैर का निचला सबसे हिस्सा होता है उसको फुट बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, फोर का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव को देखते हैं हम लोग। फाइव में क्या है, टैगोर का रिलेशन किससे है, गीतांजलि से। टैगोर का रिलेशन गीतांजलि से, मतलब टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। तो इसी तरह डिकनेस ने ओलिवर ट्विस्ट लिखी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। मैं इधर टिक कर दे रहा हूँ, उधर टिक नहीं हो पा रहा है, सॉरी फॉर दिस। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है इसका, सी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। बर्ड का किससे रिलेशन है, फ्लावर का। अब देखिए, फ्लावर जो बनता है वो बर्ड से बनता है। बर्ड क्या होता है, फ्लावर की एक स्टार्टिंग स्टेज होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गुलाब, गुलाब का हम लोग कलम तैयार करते हैं। बहुत से फ्लावर ऐसे हैं जिनकी कलम तैयार की जाती है, फिर उनका हम लोग कलम लगा देते हैं तो उससे वो फ्लावर का ट्री बन जाता है। तो बर्ड का जिस तरह रिलेशन फ्लावर से है कि फ्लावर की स्टार्टिंग स्टेज बर्ड से है, उसी तरह ट्री की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो सैपलिंग होती है। और सैपलिंग ये जेरेंट फॉर्म है सीड की। सीड जो होता है बीज, सीड का मतलब बीज होता है, तो बीज सीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। आइडियाज का किससे रिलेशन है, ब्रेन से। अब हमारे आइडियाज कहाँ आते हैं, ब्रेन में आते हैं। तो हमारी जो मनी है, जो पैसा है, वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेवन हो जाए। सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर एट को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, सिन क्राइम। सिन क्या है, इस सिन का मतलब होता है अपराध करना, क्राइम का मतलब भी होता है अपराध करना। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो जब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो ऑप्शन में भी हमें एक दूसरे के सिनोनिम ढूंढने होंगे। तो सिनोनिम मोरेलिटी, लेजिलिटी, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, मिल्क क्रीम। तो मिल्क से हम लोग क्या, क्रीम निकालते हैं, बनाते हैं। उसी तरह क्ले से हम लोग क्या करते हैं, पॉटरी पॉटरी बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉस का किससे रिलेशन है, नेस्ट से रिलेशन है। मतलब जो घोंसला बनता है वो स्ट्रॉस से मिल के बनता है। तो उसी तरह जो हमारे कपड़े हैं, क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़े, तो कपड़े किससे मिलके बनते हैं, थ्रेड से मिलके बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्ट्रॉस का मतलब आप लोगों को पता होगा ना, तिनका, चिड़िया तिनका तिनका लेके आती है फिर अपना घोंसला बनाती है, तो उसको स्ट्रॉस ही बोलते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, टेन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एम्पायर। एम्पायर का किससे रिलेशन है, गेम से रिलेशन है। तो उसी तरह अब देखिए, विदाउट एम्पायर, एम्पायर गेम में क्या देता है, डिसीजन देता है। विदाउट एम्पायर गेम कंप्लीट नहीं होता है। उसी तरह विदाउट लेजिस्लेटर इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सी होगा। आंसर सी क्या है, लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर मतलब होता है नियंत्रक, नियंत्रक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्लाई वॉक। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, वॉक मतलब होता है टहलना। अब यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के एंटोनिम है। तो अब रिले जो आंसर हमें निकालना है वो भी एक दूसरे के एंटोनिम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, स्काई
और अर्थ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो स्काई और अर्थ एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लव हेट, अब लव मतलब किसी से प्यार करना, हेट मतलब किसी से घृणा करना, तो ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। तो अब हमें दूसरा, अब ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि अप एंड डाउन, ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है आपका, मेंडेक्टी। मेंडेक्टी मतलब होता है कि अनट्रूथफुलनेस, हुज इज अपोजिट टू होनेस्टी, ये होनेस्टी के अपोजिट है। तो उसी तरह अनट्रूथफुलनेस जो कि अपोजिट है होनेस्टी के, तो इसी तरह क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है कॉवर्ड। जो कि अपोजिट है करेज के, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, रन रेस। जब रेस होती है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। तो स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक लेना पड़ेगा। तो स्टडी और बुक का रिलेशन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रिसियस रिलायबिलिटी। कैप्रिसियस लॉसेज रिलायबिलिटी, जब ये लॉस होती है तो हमारी रिलायबिलिटी जाती है। उसी तरह जब टेंसियस होते हैं हम लोग तो प्रैक्टिकलिटी चली जाती है हमारी। तो यहाँ पे जो करेक्ट रिलेशन होगा वो सी, जो आंसर होगा 16 का आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखते हैं। 17 क्या है, वाटर ऑक्सीजन। वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उसी तरह साल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गीता कुरान, गीता और कुरान क्या है, दोनों बुक हैं। इसी तरह ऑरेंज एंड मैंगो, ये एक एक दोनों क्या है, दोनों दोनों फ्रूट के पार्ट हैं। तो इसी तरह तो इसका आंसर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। कमिट, कमिट का मतलब होता है पुच्छल तारा, मिटियर का मतलब होता है उल्का। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के फॉर्म में है, मतलब ग्रुप है, एक दूसरे के प्रजात आते हैं। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे तो हॉक और क्रो, हॉक का मतलब होता है बाज और क्रो का मतलब होता है कौवा, तो एक दूसरे के प्रजात हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक का किससे रिलेशन है, नोट से। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स का किससे रिलेशन हो जाएगा, नंबर से। विदाउट नंबर मैथमेटिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, विदाउट नोट्स म्यूजिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। कलर आइस, अब आइस से हम लोग क्या करते हैं, कलर का आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कलर का है, ब्लू रेड ये है। तो आइस का मेन काम क्या है, कलर को आइडेंटिफाई करना। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोज, नोज का मेन काम क्या है, फ्रेग्रेंसेस, मतलब स्मेल है किसी चीज में नहीं है, वो नोज ही हमारा काम करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या है, लॉन्चर मिसाइल। तो मिसाइल क्या होती है, लॉन्च की जाती है। तो उसी तरह से स्टोन, स्टोन जो हम लोग फेंकते हैं वो कैटापुलेट, कैटापुलेट का मतलब होता है गुलेल। बचपन में बहुत लोग यूज किए होंगे गुलेल, और इसमें स्टोन को रख के फिर मारा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुलेल सी। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टेट सी एम टी।